गई, तूने बताया ही नहीं, इस वेले आ गई है रोटी के टाइम पे, बताती तो सही। हाँ है सफिया, कैसी बातें कर रही है, अब तेरे से मिलने के लिए भी मुझे टाइम लेना पड़ेगा। नहीं नहीं ये बात नहीं, मेरा मतलब है बताना तो चाहिए। खैर अदन, अदन पुत्र पानी लेके। चार्जर भी मेरा। अरे खाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अब तो तू इतना बड़ा आदमी हो गया, खाला मिलने आए तो आए, तू वहाँ आ जाएगा ना तो तेरी शान में तो फर्क पड़ जाएगा, है ना? अरे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है खाला, असल में मसरूफियात इतनी है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अम्मा तो जानती हैं। पता है क्या बताऊं, मसरूफ इतना है कि ना पूछ, इतनी मुश्किलों से इसने यहाँ आने का टाइम निकाला है। और सच्ची बात है मैं तो भी सारा दिन ऐसे पकड़ के बैठी रहती हूँ, पता नहीं कब मौका मिलेगा, कब दोबारा आएगा, बड़ा ही मसरूफ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अपने पास ही बिठाए रखती है, बीवी बेचारी तो दूर दूर से देखती होगी अपने मियाँ को, है ना? आपको कुछ चाहिए? जूस लो। जी मैं भी लाती हूँ। मैं तो ना तुझे जोई की मुबारकबाद देने के लिए आई थी, सुना है लड़के वाले देखने के लिए आए थे, और मुझे पूरी उम्मीद है लड़के वाले पसंद करके गए होंगे। तुझे किसने बताया है? वैसे तेरी अपनी आदत है हर वाले निन्नो लेने की। नहीं पला घर की बात है, मुझे किसने बताना था? तूने बताया नहीं, कैसे हैं वो लोग? मैंने तो सुना है अच्छे लोग हैं, फिर क्या ख्याल है कब जा रहे हैं उनकी तरफ? नहीं खाला, वो लोग मुझे अपने मेयार के मुताबिक नहीं लगे, हमने रिश्ते से इनकार कर दिया। हाँ पुत्र कैसी बातें कर रहे हैं, रिश्ता तेरा थोड़ी तेरी बहन का होना है, और अगर इतने नखरे करोगे ना तो सारी जिंदगी बहन को ब्याह नहीं सकोगे। ये क्या बात बकवास कर रही है तू है? हाँ तूने सुना नहीं तबरेज क्या कह रहा है? तू और पाजी भी इसके पीछे लगे हुए हो, ये कल का बच्चा है, इसे इन बातों का क्या पता भला? बस कर दे खाला, कैसी बातें करी जा रही हैं आप? भाई मैं अपने माँ बाप के घर बैठी हूँ, मेरे भाई सलामत रहे, आपको क्या एतराज है? हाँ पुत्र भला मुझे क्या एतराज होगा, हम तेरे बड़े हैं, तेरा अच्छा बुरा सोच सकते हैं। क्यों सफिया मैं ठीक कह रही हूँ ना? लो आई बड़ी मेरी हमदर्द, आपने सोचना है मेरा अच्छा, खाला मैं आपको कह दे रही हूँ। क्या करिए तुम, अंदर जाओ। भाई अंदर जाओ। जी उर्फी नजर नहीं आ रहा, सारा दिन मेहनत करता रहता है, अपनी सेहत का तो ख्याल ही नहीं रखता। और दुर्योधन खुश है ना, अब तो तेरा मियाँ का आरा आ गया। पुत्र हम तेरे बड़े हैं, अगर इसने कुछ कहा ना तो मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगी अच्छी तरह से। देख मेरी गल सुन, सीधी बात है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदन की फिक्र ना कर, उर्फी की सेहत की फिक्र ना कर, जूई के रिश्ते की फिक्र ना कर, बिल्कुल ना कर, मैं मां बैठी हूँ, तुम्हारी बेबे ना बन। जूस पी ते चल दियो, अदन जा जाके किचन में देख, पोछे खाने में देख, हांडी ना सड़ जाए।